जगनेर थाने में 13 जून को एक दवा के व्यापारी का अपहरण हुआ था। फिर 16 तारीख को इस घटना में जो अभियुक्त प्रकाश में आए थे उसमें से एक मुठभेड़ में दिनेश पंडित नाम का अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था। तत्पश्चात बाद में बंटू नाम का मास्टरमाइंड जो इस घटना का था, जो पड़ोसी भी था दवा व्यापारी का, जिसने अपने एक खास रामावतार नाम के व्यक्ति इसके साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था और इसमें अपने रिश्तेदारों को भी इसने शामिल कर दिया था रामावतार ने। इसके दो रिश्तेदार सगे भाई हैं जिसमें अनिल और सुनील हैं, और एक इसमें जीतू नाम का है जो सुनील का दोस्त है, और एक भोला है, ये भी रिश्तेदार है इसका। अपहरण के पीछे 70 लाख रुपए लेने की इनकी मंशा थी, 70 लाख की डिमांड की गई थी, इसी के बाद इसमें काम हुआ। इसमें जो अनिल और सुनील हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, 4 लोग उसमें अनिल सुनील, इन्होंने घटना में सहयोग के लिए सिम प्रदान किया था, और भोला और बंटू ये दो मार्बल का काम करते हैं। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते ये सब कभी अहमदाबाद, कर्नाटक, मुंबई इस तरीके से चले गए। बाद में जब बंटू गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि यह गैंग फिर घटना करने के चक्कर में है, तो पुलिस की टीम, सर्विलांस टीम, क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में लगातार काम करती रही, जिसका रिजल्ट यह आया कि अभियुक्त 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, जिसमें रामावतार, अनिल, सुनील और भोला हैं।